राहुल गांधी की ट्विटर सफाई अभियान को लेकर अब जो बातें सामने आ रही हैं, ये इस पर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। राहुल ने अब तक 50 से अधिक लोगों को ट्विटर से अनफॉलो कर दिया। राहुल पहले 300 से ज्यादा लोगों को फॉलो करते थे, जो कि अब इसकी संख्या 219 हो चुकी। राहुल गांधी की इस फेहरिस्त में उनके पूर्व सिपह सलाहकार ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी शामिल है। इसके अलावा राहुल गांधी ने पार्टी के कई नेताओं, स्टाफ सदस्यों और पत्रकारों को अनफॉलो कर दिया है, लेकिन इससे राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष का ये कदम संगठन के पूर्व गठन का हिस्सा हो सकता है। इस मामले को लेकर बवाल इसलिए भी मचा है क्योंकि इस बात की चर्चा है कि राहुल और सोनिया गांधी मिलकर पार्टी में बड़े बदलाव करने जा रहे हैं, यानी बदलाव का काम राहुल ने अपने दफ्तर से ही शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ ये भी बड़ा अटपटा लग रहा था कि दफ्तर में कई लोग ऐसे थे जो 10 साल से भी ज्यादा पुराने थे। उसके बाद शाम को राहुल गांधी की टीम ने कई सोशल इन्फ्लुएंसर्स और पत्रकारों को भी लिस्ट से बाहर कर दिया। खास बात यह है कि जिन पत्रकारों के अकाउंट राहुल ने अनफॉलो किए, वो अधिकतर कांग्रेस पार्टी को कवर करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को रिफ्रेश किया जा रहा है, जिसके चलते बहुत लोगों को अनफॉलो कर रहे हैं और आने वाले समय में एक नई फॉलोइंग लिस्ट तैयार होगी, जिसमें वो लोग शामिल हो सकते हैं जिनको अभी अनफॉलो किया है। और जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेताओं की हत्या थम नहीं रही है। आतंकियों ने एक बार फिर बीजेपी के एक नेता की हत्या कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर से जब से अनुच्छेद 370 हटा है, तब से आतंकी बौखलाए हुए हैं और बीजेपी नेताओं को लगातार निशाना बना रहे हैं। इस बार आतंकियों ने बीजेपी के पार्षद राकेश पंडित के घर में गोली मारकर हत्या कर दी। फायरिंग में एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई। अपने नेता की हत्या के बाद प्रदेश बीजेपी आक्रामक हो गई है। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है, राकेश पंडित की कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। पाकिस्तान के इन दरिंदे आतंकवादियों ने इंसानियत का, मानवता का कत्ल किया है। इन सभी अपराधी दरिंदे पाकिस्तान के आतंकवादियों को चुन चुन कर इनको मौत के घाट उतारेंगे। पुलिस के मुताबिक राकेश पंडित बिना सुरक्षा के त्राल चले गए थे, जिसका आतंकियों ने फायदा उठाकर घटना को अंजाम दिया। हमलावरों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इस बीच सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बड़गाम में लश्कर से जुड़े एक आतंकी की गिरफ्तारी हुई है, जिसके पास से कई आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई हैं। पकड़े गए आतंकी का नाम फयाज अहमद भट्ट है। फयाज आतंकियों को ठिकाने, हथियार और विस्फोटक मुहैया कराता था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।